सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर ने कमल तिराहे पर आतिशबाजी और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस जश्न का कारण बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज माने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सरकार के कार्यों को देखते हुए देश की विपक्षी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। यही नहीं, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा की सदस्यता को लेकर अपना नाम निर्देशन वापस ले लिया है, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत है जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है राष्ट्रवाद की, ये उस विचारधारा की जीत है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी भाड़ी बड़े भाई मनोज माने जी ने जिस तरह से बताया कि 400 पार का जो आंकड़ा है, ये निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी लगन, इससे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि ही नहीं तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छा काम कर रही है और उस काम में हाथ बटाने के लिए कांग्रेस में के प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये देश के लिए भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है। सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। गुड्डू हर क्षेत्र में जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने 28 सालों से क्षेत्र की उपेक्षा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और मोदी की गारंटी सब झूठ है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगले कई सालों तक मैं जिंदा रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। आपने जो सो जाओगे तो भाजपा जीत जाएगी। और जिसके पास आप पहुंच जाओ वोट मांगने, जिस गांव में, जिस गली में, जिस माता के पास, जिस बुजुर्ग के पास, भाइयों के पास, दोस्तों के पास, परिवार के नातेदार के रिश्तेदार के पास, वो आपका वोट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ गांधी जी, आप वोट मांगने नहीं जाओगे आपको वोट कैसे मिलेगा? वोट मांगने जाना पड़ेगा आपको, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, कांग्रेस की बात रखनी पड़ेगी। ग्वालियर में कांग्रेस प्रवीण पाठक के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जीतू पटवारी को आना था, लेकिन इंदौर की राजनीति के घटनाक्रम के कारण भितरवार से ही वापस इंदौर लौट गए और बिना जीतू पटवारी के ही डबरा में आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह और पूर्व विधायक और मंत्री लाखन सिंह सहित प्रत्याशी ने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। मैंने तो जो सच था वो अपने परिजनों के सामने रखा है और डबरा की जो स्थिति थी, मैं चाहता हूं कि उन्नत डबरा हो, उन्नति वाला डबरा हो, संपन्न डबरा हो। ग्वालियर के चुनावी माहौल में बीजेपी नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब इमरती देवी ने इस प्रकरण में प्रेसवार्ता कर सफाई पेश की है। उन्होंने इस पूरे ऑडियो का खंडन करते हुए कहा कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की है, ये सारा प्रकरण मेरी छवि को धूमिल करने के लिए रचा गया है, मैं इसकी पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं कल मुझे पता पड़ा शाम के टाइम मैं चंदेरी में थी और यहाँ से मैं प्रोग्राम कर के चंदेरी चली गई थी कि आज मैं चंदेरी में प्रचार कर आऊँ। बागे बाद शाम को पता चला, सुबेरे ही मैं आ गई, तो सुबह 2 बजे से 1 बजे से आप लोगों का इंतजार कर रही थी, इसलिए कि आपके दो दो प्रोग्राम थे तो आप लोग न आ पाए, इसलिए मैं शिकायत करूंगी, मैं FIR कराऊंगी कि जिससे बात करी वो सामने आए और हर चीज को। अब मुझे पता ही नहीं कौन है, कहाँ का है, कैसा है, झांसी का है या टीकमगढ़ का है या दतिया का है, कहाँ का है, हमें खुद पता नहीं। आप भाषा सुन रहे हो उसकी, मैंने भी सुनी है कि कैसी भाषा है, तो मैं खुद ही थाने में आवेदन पहुंचाऊंगी अपना और मैं FIR कटवाऊंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने सांची विधानसभा के रायसेन के गोलकपुर
से लेकर सागर रोड टोल टैक्स तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। रोड शो में शिवराज सिंह चौहान के साथ लोकसभा प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पितरवार के चरखा गांव में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने को लेकर बवाल मच गया, जहां मूर्ति की सुरक्षा के लिए चार गार्ड तैनात थे, फिर भी मूर्ति को तोड़कर चौकी के सामने फेंक दिया गया। बताया गया है कि 2 वर्ष पहले भी मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था, फिर भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। सिवनी में एक अनोखी बारात देखने को मिली है। एक गांव से ऐसी बारात निकली कि चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। बारात में लोग बैलगाड़ी और बुलडोजर पर बैठकर जाते दिखाई दिए। बारातियों में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस बारात को देखने के लिए लोगों का तांता लगता हुआ देखा गया। इस गाँव के किनारे व्यवसायी राजेंद्र भलावी की शादी गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पोनिया निवासी राजकुमार तेकाम की बेटी के साथ 26 अप्रैल को तय हुई। भलावी के बारात ले जाने के लग्जरी गाड़ियों की जगह बैलगाड़ी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। जब यह बारात निकली तो रास्ते में लोग देखते ही रह गए। फिलहाल इस शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। बुरहानपुर में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि यहां डायरिया से 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन नगर निगम की महापौर और प्रबंधन गहरी नींद में सो रहा है। इस पूरे प्रकरण में अब राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने महापौर के खिलाफ विरोध करते हुए उनके कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पीएचसी विभाग को 4-4 बार हमने सैंपल दिए, कोई भी तो 10 वार्डों में ये कांग्रेसी भाई लोग मेरे बोल रहे हैं कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, एक भी बार कभी एकाधिक विकास की कभी दिक्कत आई हो तो, पर अभी तो कोई वार्ड में दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी टीम घूम रही है और पीएचसी विभाग को भी हमने अपने नगर निगम में सैंपल दिया हो तो बात अलग हो जाती है। पीएचसी विभाग को सैंपल दे दे के 4 बार हमने सैंपल दिए। हमें भी एक हम भी मानव है, हमें भी दुख होता है कि डायरिया से बच्चे मर गए, डायरिया से बच्चे शांत नहीं हुए। ये गर्मी बहुत तेज है और इसकी देखरेख, बच्चों की देखरेख हमें खुद को करना चाहिए। पानी दूषित नहीं है, पानी का दूषित होना बिल्कुल मैं मानती नहीं हूँ। पीएचसी विभाग को 4-4 बार हमने उसका दावा ठोक के बोलती हूँ कि पानी दूषित नहीं। बुरहानपुर के थाना खगनार के अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने यहां 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जंगल में अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई। काम काज में, भाग दौड़ में मेरा काफी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।